अच्छा साथ काजल या तो काजल या तो नेहरू। तुम्हारा नाम क्या? सर सीलू। किस क्लास में पढ़ती हो? सर 8 में। आज बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? सर क्योंकि उनके उस सर उन इतना अच्छा किए हैं, सब लोग उससे खुश रहते हैं सर, इसीलिए किए सर कि कम से कम बच्चों का उत्साह बढ़े। और हम लोग का यही है सर है कि जैसे कि हम लोग ऐसी जगह से है, इसी बच्चों के नाते हम लोग अच्छा मतलब खाना खाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करें। और दिवस के दिन ही ऐसा किया जाता है या 2 अक्टूबर और हर समय? सर ऐसी बात नहीं, जो जैसा रहता हर दिवस के बाद करते हैं सर। मेरा ही काम है जैसे खुद पढ़े और सबको पढ़ना सिखाएं, बस यही हमारा उद्देश्य है सर। बाकी कुछ बच्चों से हमने बाल दिवस के बारे में पूछा, उन्हें पता नहीं है कि बाल नहीं सर, हम बुलाए बच्चों को बताएं दिमाग बोलो सर बोलिए आओ बोलो बच्चे बोले सारे बच्चे जैसे सर एक बराबर नहीं ना, तो सर कुछ बच्चे तो बता रहे हैं, सब बच्चे वैसे हैं जी सर। नहीं सर ऐसी बात तो है नहीं, बच्चे इसमें सुनाए पंडित जवाहरलाल नेहरू निबंध में ऐसे सुनाए सर, स्वच्छता पर बच्चे बोले हैं, पर्यावरण को बोले हैं सर सारे बच्चे। सर प्राथमिक विद्यालय आप जान ही रहे जूनियर के कितने अच्छे नहीं होते हैं सर, सब एक बराबर नहीं होते हैं सर, है ना? सारे टीचर भी तो अच्छे नहीं होते। नहीं सर ये बात नहीं, टीचर को नहीं कहें जैसे सर है भाई कहीं कहीं टीचर आरती देवी सर। आपकी उपस्थिति में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जी निश्चित रूप से, ये जो प्राथमिक विद्यालय और उस प्राथमिक विद्यालय शिवा पार्क के जो अध्यापक गण हैं वो इस बधाई के पात्र हैं। आज बाल दिवस है 14 नवंबर और आज के दिन एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोग द्वारा आयोजित किया गया जिसमें समस्त बच्चों ने प्रतिभाग किया। और ऐसे कार्यक्रम होने से बच्चों में उत्साह होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो बाहर आती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत से बच्चों ने बहुत से रंगोली से लेके और बहुत से पेंटिंग्स और चीज़ें बनाई हुई हैं जो उनकी क्रिएटिव जो उनकी सृजन करने की शक्ति है वो बाहर आ रही है, उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, ऐसा होना है।